हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनोद कुमार वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स को का स्वागत करता हूँ टीटास के इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा जो ये वीडियो है, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मैं अपने पहले वीडियो में बात किया था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताया था। आप लोग इसमें देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसमें पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो देखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है प्रोकैरियोटिक सेल हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, हिस्टोन प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब यहाँ तक हम बात को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मतलब होता है अननोन, जिसका पता ना हो, न्यूक्लियस का पता नहीं होता है। यानी इनमें, इस सेल में, इस ऑर्गेनिज्म में, इसके सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो अननोन होता है, अज्ञात होता है, जिसका पता नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये सेल है, सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है, कहीं भी इस सेल में पड़ा रहता है। तो इस तरह से कह रहा है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, हिस्टोन प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का मतलब ये सिद्ध हो गया कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है, डीएनए में ही हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, यानी डीएनए के साथ लगा होता है, यानी इसमें डीएनए होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल, यानी मेम्ब्रेन के द्वारा, झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ सेल होता है। लेकिन सेल ऑर्गेनल्स, यानी जैसे सेल ऑर्गेनल्स को मैं आपको बताऊं, सेल ऑर्गेनल्स मीन्स होता है कोशिका के अंग, यानी सेल के ऑर्गन, है ना। यानी सेल में भी ऑर्गन होते हैं। अभी तक आप लोग ये चीज शायद ना जानते हों, बट आज यहाँ जानेंगे सेल के ऑर्गन भी होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी काय, बहुत सारे हैं, ग्रेन्यूल्स, आरएनए, डीएनए, ये सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ETC यानी एक्सेट्रा आर एब्सेंट, यानी ये सब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि माइटोकांड्रिया जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स इत्यादि और सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। बी, हम डिस्कस हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल माइकोप्लाज्मा। एक सेल है, एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है माइकोप्लाज्मा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने इस संरचना यहाँ बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है माइकोप्लाज्मा का। इस माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ हमने कहा कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, नहीं होते हैं, और बाउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन, है ना। या हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि डीएनए की संरचना है, और ये डीएनए का संरचना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, ऐसा शर्करा जिसमें ऑक्सीजन के अणु ना हो, ऑक्सीजन के अणु की कमी हो, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसको हम पढ़ाएंगे डिटेल में, बट थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। डीऑक्सीराइबोज यानी ऐसा राइबोज जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, और न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल है, बट जिस जगह पे ये डीएनए पाया जा रहा है, उस जगह को हम डायरेक्टली न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते, बट न्यूक्लियाइड जरूर कहते हैं, है ना। न्यूक्लियाइड क्यों कहते हैं, आभासी केंद्रक, यानी केंद्रक के तरह दिखने वाला, है ना, क्योंकि डीएनए की संरचना का मतलब डीएनए का नाम ही है क्या, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लियस में पाए जाने वाला अम्ल, इसीलिए इसे हम न्यूक्लियॉइड कह सकते हैं। न्यूक्लियस तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बट क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस कह सकते हैं।
है ना, क्योंकि तो ये न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए डीएनए जिस स्थान पे होता है उसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे आरएनए उपस्थित होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, यहाँ आप मैं बात कर रहा था कि हिस्टोन प्रोटीन होता है यानी डीएनए होता है, नेक्स्ट हमने कहा था एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल, यानी क्या एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल होता है, घिरा हुआ सेल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे प्लाज्मा लीमा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इत्यादि बहुत सारे नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है इसको मैं बताऊंगा। हाँ, और इसमें आरएनए पाया जाता है, आरएनए के अलावा साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी तरल पदार्थ जो होता है, लिक्विड जो होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और उसके बाद में बैक्यूल्स होता है, बैक्यूल्स होता है, बैक्यूल्स होना यह साबित करता है कि जैसे बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर हो, ये क्या हो, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर हो, बट बैक्टीरिया में क्या होता है कि उसमें सेल वाल होता है, सेल वाल पाया जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक वाल और पाया जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसे हम बैक्टीरियल सेल नहीं कह सकते, है ना, इसलिए माइकोप्लाज्मा को अलग नाम दिया गया। और उसके बाद में राइबोसोम होता है जो 70S होता है। अब आप यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो वही राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाएगा, 80S होगा। कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जैसे फूड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, और प्लस बैक्यूल्स पाया जाता है, बैक्यूल्स के पाए जाने के वजह से भी इसे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर, या माइकोप्लाज्मा क्या होता है, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत माइन्यूट मात्रा में होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा में तो यहाँ पाया जाता है, इसीलिए इसे हम बैक्टीरिया लाइक सेल कह सकते हैं, बैक्टीरिया नहीं कह सकते, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, और जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, तो इसीलिए बैक्यूल्स पाए जाने की वजह से इसे हम कहते हैं क्या कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, इसके हम साइज की बात करें तो ये होता है 0.1 to 0.25 mm इन डायमीटर में होता है। डायमीटर मीन्स क्या होता है, व्यास, यानी चारों तरफ से हम मापे हैं, सबसे बहुत छोटी इकाई है ये 0.1 से लेकर 0.25 कह सकते हैं, 25 माइक्रॉन इन डायमीटर होता है, बहुत ही छोटा होता है। और माइकोप्लाज्मा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिक, यानी हमने लिख दिया यहाँ शॉर्ट फॉर्म PPLO, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिक। ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो निमोनिया रोग काज करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिक। सो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। सो थैंक यू, विश यू वेल।